السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله حضرت مولانا مفتی बरकत अल्लाह साहब तशरीफ़ ले आए हैं और अब हम आगाज़ करते हैं आज के इस प्रोग्राम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अलन नबीयल करीम व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन। आज जो मुहाज़रा मुफ्ती बरकतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम पेश फरमाएंगे, उसका मौजू है हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट के मौके और इम्कानात। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप आगाज़ फरमाएं अपने मुहाज़रे का, और इस दरमियान मैं तलबा से मुखातब होकर ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो भी आपके सवालात हैं वो हमारे मुफ्ती जाकिर साहब दामत बरकातहुम को बराह रास्त भेज दें या हमारे दफ्तर के व्हाट्सएप पर भेज दें और वहाँ से उनकी तरफ वो सवालात मुंतकिल किए जाएंगे, ताकि पूरे ज़ब्त के साथ में और नज़्म के साथ में सवालात आपके सामने पेश की जा सकें और आप मुफ्ती साहब उनके जवाब दे सकें। तो हम आगाज़ करते हैं और दरख्वास्त करते हैं मुफ्ती बरकतुल्लाह साहब से कि वो आगाज़ फरमाएं। जी, अस्सलाम वालेकुम अल्लाह बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। सन 70 के दहाइयों में तालीम के दौरान दारुल उलूम देवबंद से चंद सौ गज के फासले पर मुस्लिम फंड के नाम से एक इदारा कायम था और है, और बहुत ही कदीम इदारा है। तो इस तरह ये मुस्लिम फंड जो था और है, वो मुसलमानों की बचत और करंट अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट और गैर सूदी कर्ज एक मामूली फीस लेकर देने का बहुत ही पुराना इदारा है। इसी तरह और भी बहुत से इदारे मुस्लिम फंड की तरह हिंदुस्तान के तूल व अर्ज में फैले हुए हैं, जो खुद वहीं यूपी में नजीबाबाद में बहुत बड़ा फंड है और बेंगलोर में भी रहा है, दिल्ली में भी रहा है, बम्बई में भी है और था, बहुत पहले से चल रहा था, बीच में रुक गया था। तो इस तरह के कुछ 35 से 40 इदारों की लिस्ट है हिंदुस्तान के हर रियासत में जो फैले हुए हैं। और ये गैर सूदी इदारे सिर्फ छोटी छोटी सेविंग्स और डेली रोजाना आम लोगों से बचत लेकर उसको जरूरतमंदों को बगैर सूद के देते हैं। सिर्फ इस हैंडलिंग की और ये मैनेजमेंट की एक मामूली सी फीस लेते हैं, जो फीसद के लिहाज से होती है, जो मजामेल फकिया ने इंटरनेशनल मजमा फकी और हमारी दिल्ली की जो मजमा फकी इस्लामी है, उन्होंने कहा है कि लोगों की बचत और गैर सूदी देने के दरमियान जो खर्चा है इदारों का, वो मुस्तफीदीन से लिया जा सकता है। उसको कहते हैं कॉस्ट, यानी ऑपरेशनल कॉस्ट को जो है लेना। तो इस तरह के जो इदारे हैं तकरीबन, मैं मेरे पास क्योंकि ये पावर पॉइंट है तो मैं आपको नाम और वो तो बता ही सकता हूँ कितने करोड़ हैं। तकरीबन 162 करोड़ के
की रकम जो है इन इदारों से हैंडल होती है। तो ये इदारे जो हैं, आपको ताज्जुब होगा कि बैंकिंग कानून के तहत नहीं ऑपरेट कर रहे हैं। मैंने जो पावर पॉइंट भेजा है अभी, जो डाउनलोड नहीं हो रहा है, उसमें उन तमाम कवानीन की तफसीलात हैं हिंदुस्तान के, जिन कवानीन के तहत 4 या 5 डिफरेंट कवानीन हैं। कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, कुछ वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, कुछ क्रेडिट सोसाइटी हैं, यानी मुख्तलिफ कवानीन के तहत ये इदारे चल रहे हैं। और कानूनी हैसियत से ये न बैंक है, न बैंक की तरह ऑपरेट कर सकते हैं, न बैंकों को जो तहफ्फुज हासिल है कानूनी, वो इन इदारों को हासिल नहीं। लिहाजा यानी क्योंकि हुकूमत हिंद एक सेकुलर हुकूमत है, उसने कभी किसी मजहब की बुनियाद पर ये जो है माली मामलात में और हुकूमती मामलात में मजहब को दखल न देने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। इस लिहाज से वो आज़ादी तो देते हैं कि लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से ये काम कर लें, अपनी बचत जमा करना और उसको लोगों को उससे फ़ायदा उठाने देना गैर सूदी बुनियादों पर। लेकिन इन तमाम इदारों में जो मसला है कि जो लोग उसमें जमा कर रहे हैं उनको कोई जायज़ मुनाफा नहीं दिया जा रहा है, या बड़े पैमाने पर नहीं दिया जा रहा है। जो लोग बचत रखते हैं सिवाय उनकी बचत की सिक्योरिटी के, और उनके बचत से दूसरे मुस्तफीद हों गैर सूदी बुनियाद पर, और आखिरत में कर्ज का जो सवाब है वो उनको हासिल हो, इस दुनियावी उमूर से जिस तरह की कल हमने आपने देखा कि उन्हें अगर मुजारबत और मुशारकत की बुनियाद पर या वकाला की बुनियाद पर उसे इन्वेस्ट किया जाता, जो कि किया जाता है अभी भी, और गालिबन मेरे इल्म में उसकी पूरी तफसीलात नहीं है क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन एक हमारे कोलीग ने, यानी हमारे साथी ने उस पर PhD की है, कुछ 350 सफ़े की, और हर इदारे की पूरी डिटेल के साथ कि कितना उनकी इनकम है, कितना लोगों को इस्तिफादा करने देते हैं और कितना वो तिजारती सरमायाकारी करते हैं छोटे पैमाने पर, और उसमें कितना नफ़ा आता है और कितना नफ़ा तकसीम करते हैं, उसकी पूरी तफसीलात जो है PhD में हैं, जो जानने के करीब। मैंने खुद भी अपनी आंखों से देखा है बम्बई में, वानमबाड़ी में और बेंगलोर में, और ऐसे इदारों से मिला हूँ। तो ये छोटे पैमाने पर रोज़ाना आम मुसलमानों की बचत के लिए ये इदारे हैं जो आज 50-60 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन तमाम इदारों को बैंकिंग कवानीन के तहत और मुल्क के जो दूसरे महफूज कवानीन हैं जिसके ज़रिए लोगों के माल महफूज हो और लोगों को शरी बुनियाद पर नफ़ा और नुकसान की तकसीम हो, ये नहीं हो पाई है। बल्कि उसके खिलाफ बरखिलाफ ये हुआ है कि जो ये इदारे अगर इसके चलाने वाले नाअहल लोग रहे, या जिनको नाअहल का मतलब है कि उन्हें कोई तजुर्बा नहीं था फाइनेंशियल डीलिंग का या डिपॉजिट टेकिंग का और लोगों के साथ मामला करने का, लेकिन अपने इखलास और अपने दीनदारी के नाम पर उन्होंने लोगों का एतमाद के ज़रिए लोगों के पैसे लिए और उसे बेदर्दी से या बेईमानी से या बद इंतज़ामी से या नाअहली से, ये 4-5 असबाब हैं, बल्कि इस पर बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च हो चुकी है। तकरीबन 7 किस्म के असबाब हैं जो मैंने अभी फिर से भेजा है, जिसे आप देख लेंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो अमूमी मसाइल रहे हैं उसमें से जो नाअहल चाहे कितने भी मुखलिस हों, लेकिन अगर हम जैसे अगर मैं ड्राइविंग ना जानता हूँ और मैं गाड़ी चलाऊँ, चाहे मेरा तकवा कितना ही हाई हो, मैं एक्सीडेंट कर सकता हूँ ना। तो इस लिहाज से
और अगर मैं अगर मेरी नीयत ही खराब हो शुरू से और वो हो, तो इस तरह के बहुत सारे जो इदारे फेल हुए हिंदुस्तान के तूल अर्ज में, ये छोटे छोटे, वो उसमें मुतादद असबाब वजूद थे जो डिटेल के साथ आपको मैंने लिख के उर्दू में भी, वो जो फेलियर के जो असबाब हैं वो उर्दू अंग्रेजी दोनों में मैं भेज चुका हूँ, इंशाल्लाह आपके आपकी खिदमत में मिल जाएगा। तो इन सब बैकग्राउंड की रोशनी में जो लोग इन्हीं इदारों में काम करते थे, बम्बई में कुछ मुखलिसीन हजरात हैं जिन्होंने ये कोशिश की कि अब छोटी सतह से हटकर बड़ी सतह पर, कॉरपोरेट सतह पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसाइल और उनकी बचत और उनकी नफा और नुकसान की तकसीम की बुनियाद पर कुछ काम होना चाहिए। चुनांचे आज से 10-15 साल पहले बजाज जो बहुत मशहूर कंपनी है, उसको कन्विंस किया गया और उसने एक पेंशन बचत स्कीम बनाई और शुरू की, और उसके सर्टिफिकेशन मैंने ही दिया। तकरीबन आज तो 12 साल हो रहे होंगे। और उन्होंने फिर तमाम मुसलमान मुलाजमीन जो सरकारी मुलाजमीन थे या जिन लोगों के पास भी सेविंग रखना यानी कुछ बचत कर सकते थे अपनी तनख्वाहों से पेंशन के नाम से, वो उसमें शरीक हो सकते थे और उनको हलाल प्रॉफिट जो है बजाज देती थी और दे रही है। हुआ ये कि एक इंश्योरेंस कंपनी होने की वजह से और पेंशन के नाम से बचत की स्कीम उन्होंने लॉन्च की जिसमें लाइफ इंश्योरेंस शामिल नहीं था। आप हराम से लेक्चर पूरा हो जाए तो आप आके उसको पूरा कर लेंगे, 5-10 मिनट के बाकी रह गई हो। इंश्योरेंस रेगुलेटर हैं वो, और ठीक है मैं आपको फोन कर दूंगा जैसे ये लेक्चर खत्म होगा। नाम है इरदा, वैसे मैं फोन कर दूंगा तो आप 10-15 मिनट के लिए आ जाना। ठीक है, दूसरा इदारा है सेबी, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। इन दोनों इदारों ने आपस में उसमें चपकलिश रही कि कौन इस स्कीम को निगरानी करेगा, और इस झगड़े में वो स्कीम जो है हुकूमती हुकुम से बंद कर दी गई। तो जब उसकी जो मुद्दत थी 10 साल, वो 10 साल मुद्दत पूरी हुई तो वो स्कीम बंद हो गई। ये एक यानी खबर अच्छी भी सुना आपने कि शुरू हुई थी, लेकिन उसका इख्तिताम भी कोई बहुत अच्छी तरह नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुसलमान ताजिरों ने मुख्तलिफ जगहों पर बाकायदा इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू की। तो जैसे कि कल मैंने अर्ज किया था, एक तो है बैंक रिटेल, लेकिन एक है गैर बैंक के वो इदारे जो लोगों की बचत लेकर और उसको तिजारत में लगाकर और प्रॉपर नफा और नुकसान की तकसीम की बुनियाद पर देते। तो इस मकसद को लेकर कुछ ताजिर छोटे पैमाने पर भी उठे, कुछ बड़े पैमाने भी उठे। इस दौरान ये हुआ कि उसमें कुछ मिनिमम और मैक्सिमम की कोई कैद नहीं थी, या थी तो मामूली 1 लाख रुपये थी, लेकिन ये सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन ने उस पर उसमें पाबंदी लगा दी कि ये गैर बैंकिंग इदारे जो इन्वेस्टमेंट के हैं NBFC, ये कम से कम हर फर्द 1 करोड़ लगाएगा तभी इसमें आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये करोड़पति लोगों का क्लब है। लेकिन आपको खुशी होगी कि कई इदारे इस नाम से साउथ में मौजूद हैं, जिसमें से मैं नाम ले सकता हूँ, माउंट जूडी वेंचर कैपिटल के नाम से बेंगलोर में इदारा है, और वो आज 4 साल से बड़े बड़े लोगों से पैसे लेकर और उसको बाकायदा कॉरपोरेट वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करके और उनको नफा नुकसान की प्रॉपर इस्लामी तकसीम की बुनियाद पर वो काम कर रहा है। तो ये तो करोड़पति लोगों के लिए है, लेकिन लखोपति लोगों के लिए एक दूसरा इदारा वही काम कर रहा है, उसका नाम है रहबर, RHBER। मैं अगर बाद में इसकी लिस्ट आप लोगों के सामने और पता और वेबसाइट के एड्रेस के साथ, क्योंकि मैं इन सब इदारों में इन्वॉल्व रहा हूँ और मेरी सर्टिफिकेशन से ही ये इदारे काम कर रहे हैं। ये इदारे ऐसे हैं, ये दोनों इदारे
जो छोटे या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी बड़े बड़े करोड़पति लोग, उन सब से जो जितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो मुशारकत मुजारबत की बुनियाद पर वो लेते हैं और उसी बुनियादों पर ताजरीन को देते हैं और नफा व नुकसान की बराबर तकसीम इस्लामी बुनियादों पर शरई निगरानी में। चुनांचा बम्बई से मुफ्ती यहिया मुईन समवार वो उसके निगरा हैं और भी दूसरे लोग होंगे, लेकिन शुरू की सर्टिफिकेशन मैंने ही उनको दी थी और वो माशाल्लाह इन पेंडेमिक के दौरान भी काम करते रहे। तो ये तो दो प्राइवेट इदारे हैं मुसलमानों के, लेकिन खुशी की बात है कि टाटा जैसे बड़े इदारे ने, जो कि हम ईद के बाद इंशाल्लाह उसको तफसील से देखेंगे, टाटा को जब बताया गया कि ये शरीय इन्वेस्टमेंट का एक मार्केट है जिसकी जिसको बहुत यानी बहुत बड़ी साइज हो सकती है, तो आज से तकरीबन 25 साल पहले उन्होंने कहा भाई हम शरीयत के नाम से तो कुछ नहीं कर सकते, इसको आप कोई दूसरा नाम दे दीजिए तो हम शुरू करेंगे। तो टाटा कोर सेक्टर इक्विटी के नाम से आज 25 साल पहले शायद या 30 साल पहले उन्होंने शुरू किया ये स्कीम और मुसलमानों में वर्ड ऑफ माउथ यानी खसूसी तौर से सब लोगों ने एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करा के उस स्कीम को शुरू कर दिया और जो स्कीम कामयाब रही इंटरनली, तो टाटा ने फिर 10-15 साल के बाद ये फैसला किया कि अब हम इसको एथिकल के नाम से एक लॉन्च भी कर सकते हैं यानी एक पब्लिक फंड बना सकते हैं। चुनांचा आज से 10-12 साल पहले उसकी तारीख मिल जाएगी उनकी वेबसाइट से, उन्होंने टाटा एथिकल फंड के नाम से बाकायदा उसका इजरा किया और एक फंड उसी की तरह फॉरेन इन्वेस्टर के लिए भी बनाया डॉलर अमाउंट में, उसका नाम है टाटा शरिया फंड। हिंदुस्तान में उसका नाम है एथिकल फंड और बाहर उसका नाम है बराबर शरिया फंड, ताकि उसकी मार्केटिंग में मुस्लिम वर्ल्ड में आसानी रहे। और ये फंड इसके इंशाल्लाह हम अलग से स्टडी करेंगे कि किन बुनियादों पर कैसे वो शरई है, वो मैं आपको जुमरात के रोज समझाऊंगा कि किस तरह वो इन्वेस्टमेंट करके और किस तरह शरई अहकाम का ख्याल रख के वो करते हैं। तो इसमें मैं और तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये अकाउंट ऐसा है जैसे बैंक अकाउंट की तरह, डिपॉजिट अकाउंट की तरह, आप ये अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं और ऑटोमेटिक इसमें पैसे डाल सकते हैं और ऑटोमेटिक आपको उसका नफा नुकसान या उसकी ग्रोथ जो है वो कर सकते हैं। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं। ये तो कॉरपोरेट लेवल के दो इनिशिएटिव्स हैं टाटा और बजाज के, उसी तरह एक टॉरस TARUS टॉरस के नाम से 2009 में टॉरस एथिकल फंड के नाम से एक नकवी साहब थे जो उस वक्त इंचार्ज थे, उन्होंने उसको इफ्तिताह किया और मेरे ही सिग्नेचर से वो एथिकल लॉन्च हुआ था, लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं रहा और छोटे साइज का है, लेकिन टाटा एथिकल फंड है वो बहुत कामयाब रहा और आप सुनेंगे उसके बारे में बहुत अच्छी खबरें इंशाल्लाह ईद के बाद जब मैं उसकी पूरी डिटेल आपके सामने पेश करूंगा। तो प्राइवेट वर्ल्ड में और कॉरपोरेट वर्ल्ड में इसी तरह बीच में रिलायंस वालों ने भी कुछ शरिया फ्रेंडली के नाम से कुछ चीजें मार्केटिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। इसी तरह केरला, अगर आप लोगों ने खबरें देखते रहे होंगे तो कुछ 10 साल पहले केरला स्टेट गवर्नमेंट ने एक कॉरपोरेशन बनाई थी, उसका उस वक्त तो नाम मुझे याद नहीं क्या था, लेकिन अभी इस वक्त उसका नाम है चेरमन फाइनेंशियल सर्विसेज। चेरमन जो है उस राजा का नाम था जिस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में या सहाबा कराम के जमाने में वो जनूब केरला का हाकिम था और उसके बारे में कहते हैं कि वो मुसलमानों के साथ बहुत हमदर्द था, चेरमन उसका नाम था। और जो सबसे पहली मस्जिद कोचीन में है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो सबसे पहली मस्जिद है, जिसको हमारे सदर जमहूरिया ने भी विजिट किया और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका मॉडल तोहफे में अरब ममालिक को देते हैं,
चेरामन उसका नाम, चेरामन मस्जिद नाम है उसका, जामा मस्जिद, उस नाम से एक फंड है, उस नाम से एक मुशारका मुजारबा कंपनी है जो चेरामन फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से, मैं उसका वेबसाइट और पूरी डिटेल और उसका ऑडिटर और शरिया एडवाइजर रहा हूँ पिछले चंद सालों में, लेकिन ये पैंडमिक के ज़माने में हमारा रابطہ मुनक़ते हो गया और शायद उन्होंने किसी और से उसकी सर्टिफिकेशन लेना शुरू कर दिया है, लेकिन चंद साल में खुद कोचीन जाकर उनसे मिलता था। तो वो स्टेट गवर्नमेंट यानी केरला स्टेट का उसमें 10-12 फीसद हिस्सा है, बकिया 90 फीसद जो है उसका जो शेयर है वो ताजिरान हजरात के पास है, जो खलीज या केरला के ताजिर हजरात ने उसमें शिरकत की है, और उसमें हुकूमत का एक आदमी होता है मुसलमान, जो एक शरिया बोर्ड भी है उनका, जिसकी वजह से वो करते हैं। तो ये चंद बड़े इदारे हैं जो हिंदुस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से आम मुसलमानों, आम जो घरेलू बचत है, छोटे पैमाने पर मुतवस्सित दर्जे की बचत का इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ये उनकी किसी चीज को कर सकते हैं, यानी वो सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट ही लेते हैं और बड़े बड़े ताजिरों के साथ ही मामला करते हैं। तो ये एक जैसे पिछले 40-50 सालों में जो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट के मुख्तलिफ मौके, छोटे बड़े मुतवस्सित दर्जे के कॉरपोरेट लेवल के, ये कुछ कोशिशें रही हैं, और इसी की रोशनी में मनमोहन सिंह ने जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त एक कमेटी बनाई थी रिजर्व बैंक में कि भाई ये इस इम्कान का जायजा लिया जाए कि इस्लामिक बैंकिंग को मौजूदा कवानीन में कैसे अलाउ किया जा सकता है, जैसे मैंने कल आपके सामने पेश किया था इस्लामिक तरीके तमवील जो है। तो इंटरनल जो रिपोर्ट है रिजर्व बैंक की, यहाँ की सेंट्रल बैंक की, वो ये है कि मौजूदा कवानीन में नहीं हो सकता, इसके लिए पार्लियामेंट से कवानीन में तब्दीली करना पड़ेगी, और मुख्तलिफ सियासी वजूहात की बुनियाद पर किसी हुकूमत में इस बात को पार्लियामेंट में लाकर पास करने की सियासी या अखलाकी या माशी तौर से हिम्मत नहीं हुई। चुनांचा मुझे याद है कि इसका ड्राफ्ट कानून जो है वो मुझे भी दिखाया गया था, और बाज एमपीज के जरिए इसको एज ए प्राइवेट बिल भी पेश करने की कोशिश की गई थी, बहुत सारे लॉयर्स ने कोशिश किया था कि अगर हुकूमत के अंदर हिम्मत या जुरत है और उनको ये फिक्र है कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी बैंकिंग कानून के तहत अपनी बचत को हलाल तरीके से जमा कराएं और उसके हलाल प्रॉफिट जो है फिक्स डिपॉजिट के बजाय हलाल तरीके से करें, तो ये हो जाता। लेकिन हमें, आपको पता है कि पिछले 10-15 सालों में जो टर्मोइल रहा है उसकी वजह से ये मुमकिन नहीं रहा, बल्कि 2000 तारीख मुझे याद नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, 20,000 उसकी ब्रांचेज हैं, यानी हिंदुस्तान के हर कोने कोने में है, उन्होंने भी म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिया था, लेकिन लॉन्च करने की तारीख से एक दिन पहले वो कैंसिल हो गया था सियासी वजूहात की बुनियाद पर, और उनका कहना था कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब कोई फंड लॉन्च करता हलाल और हराम यानी शराकत और मुजारबत की बुनियाद पर, जिसमें नफा और नुकसान की तकसीम इस्लामी बुनियादों पर होती है, और शरिया बोर्ड में हजरत खालिद सैफुल्ला साहब भी थे और मौलाना शुएबुल्ला साहब भी उसमें थे, ये दो हजरत उसके शरिया बोर्ड में थे, उसका प्रिंटेड प्रोस्पेक्टस मेरे पास मौजूद है, छपा हुआ कागज पे छपा हुआ प्रोस्पेक्टस है, उसको लॉन्च होने से सियासी बुनियादों पर मना कर दिया गया, वरना इस वक्त हिंदुस्तान में गोया उमूमी तौर से एक सबसे बड़े बैंक की तरफ से भी म्यूचुअल फंड मौजूद होता, बदकिस्मती से नहीं वो मारज़े वजूद में आ सका। तो ये कहानी है इस वक्त के, यानी पिछले 30 सालों में जो छोटी मोटी कोशिशें प्राइवेट और फिलंथ्रोपिक और इज्तिमाही तौर से मुसलमानों की तरफ से, ताजिरों की तरफ से, कॉरपोरेशंस की तरफ से, इसका मतलब है कि डिमांड तो बहुत है, और हर मुसलमान मुतफक्किर रहता है कि उसकी बचत कहाँ महफूज हो और कहाँ उसमें ग्रोथ हो,
क्योंकि इन्फ्लेशन का जो रेट है, यानी कुव्वत खरीद जो पैसे की कम होती जा रही है, वो काफी हर साल 5 से 10% कुव्वत खरीद कम होती जाती है, तो पैसे तकिए में या तिजोरी में रखने से खुद ब खुद 10-15 साल में उसकी वैल्यू आधी हो जाती है तकरीबन। तो लिहाजा जब तक कि इस पूरे सिस्टम में पूरे लीगल प्रोटेक्शन के साथ और बैंकिंग लॉ के तहत इस्लामी फाइनेंस और इस्लामी उमूर को यहाँ अलाउ नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ चालाक किस्म के और वो लोग मुसलमानों के जज्बात को इस्तेमाल करते हुए, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हुए, बुरका इस्तेमाल करते हुए, अब कहने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि वो केस बन चुका है, यानी मुसलमानों के सारी जज्बाती चीजों को देख करते हुए बहुत से फ्रॉडिये उठे और उन्होंने फ्रॉडी स्कीम के तहत लोगों को ऐसे ख्याली नफे दिए कि हमारी जो मासूम पब्लिक थी या हमारे जो जज्बाती लोग थे उन्होंने अपनी जिंदगी भर की बचतें उसमें डाल दी। तो आपको पता है कि बेंगलोर में और हैदराबाद में और बम्बई में इस तरह के बड़े बड़े सैकड़ों करोड़ के फ्रॉड हुए हैं, जो यानी मुसलमानों की जो डिमांड है या मुसलमानों के अंदर जो तलब है इस्लामी बुनियादों पर करने की, उसका नाजायज फायदा उठा के कुछ चालाक किस्म के लोगों ने मुसलमानों को लूटा है। और हुकूमत बजाय इसके कि उसकी उस यानी इजाजत देती और प्रॉपर बैंकिंग निज़ाम होता कानूनी तहफ़ुज़ात के साथ, ये इस तरह के शार्क किस्म के, यानी शार्क क्या उर्दू में नहीं आता, इंग्लिश में कहते हैं कि यानी ये जो खूंखार मछलियां हैं इनको छोड़ दिया कि तुम दूसरे किसी तरीके से भी करते रहो, और उन कुछ लोगों को सियासी पुष्ट पनाही भी मिली और उन्होंने लोगों का सैकड़ों करोड़ों जिंदगियों के जिंदगी भर के बचतें जो हैं वो लूट के वो चले गए। वो अभी तक मुख्तलिफ कोर्ट्स में मुख्तलिफ जगहों पर कुछ मौजूद हैं, कुछ रूपोश हैं। बम्बई में हमने महाराष्ट्र कॉलेज में इस पर सेमिनार किया था और उस वक्त जो प्रेजेंटेशन था कि ये इदारे जो हैं किस तरह आते हैं, किस तरह लूटते हैं लोगों को लालच देकर इस्लाम के नाम पर बुरका दिखा के, वो उसके क्या वजूहात हैं, मैंने कल रात भेजा था, अभी फिर से मैं भेज रहा हूँ। तो बम्बई महाराष्ट्र कॉलेज में हमने और बहुत से समझदार लोगों ने मुख्तलिफ अवकात में आवाज़ें उठाई थी और लोगों को मुतनब्बे किया था, लेकिन उनकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह गूंजती रही और मुसलमान जो है लुटते रहे और लुट गए, बहुत से लोग लुट गए। तो ये यानी हिंदुस्तान के हालात की वजह से ये इस तरह के वाकयात से हमारा सामना है। इस पूरे जल में जो जो स्टेटिस्टिक्स मैंने अभी शेयर की है उसमें जो 35 इदारे हिंदुस्तान के तूल अर्ज में अभी तक काम कर रहे हैं गैर सूदी सिर्फ लोगों की मदद के लिए, उसमें नफ़ा नुकसान की शिरकत की बुनियादों पर लोगों को नफ़ा बहुत ही कम दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, सिर्फ कर्ज हसना ही दिया जाता है, लेकिन कम से कम ये इदारे फेल नहीं हुए, लोगों के पैसे नहीं डूबे और लोगों के बचतें महफूज रहीं। तो उसका तकरीबन जो मुझे याद है स्टैटिस्टिक्स जो आप उसमें देख लीजिएगा कि 162 करोड़ उनका टर्नओवर है अभी जो मौजूदा इदारे हैं, इसमें तारीखी इदारे जैसे मुस्लिम फंड और नजीबाबाद फंड वगैरह इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ पिछले 20 सालों में जो इदारे वजूद में आए उसी पर ये PhD है। तो 162 करोड़ के पैसे तक की रकमें हमारे मुसलमानों की उसमें जमा हैं और वो उससे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, तकरीबन 1.5 लाख लोग का अकाउंट है उसमें और वो यानी एक बहुत ही छोटे पैमाने पर वो कारगुजार हैं और बहुत छोटे और बहुत ही मामूली पैमाने पर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। यानी मतलब कि मुसलमान की आबादी देखते हुए ये 1.5 लाख लोग तो कुछ भी नहीं है, करोड़ों लोग हैं जो अपनी बचत महफूज रखना चाहते हैं, नफा नुकसान में शिरकत करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कानूनी तरीका छोटे पैमाने पर नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए कुछ, जैसे कि मैंने अर्ज किया आपको माउंट जूडी
माउंट जूदी जो है ये गालिबन आपको याद होगा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती जहाँ करार पजीर है बकौल साइंसदानों के, उसका नाम है जूदी। तो गोया यानी कश्ती नूह पर करार रखने वाला जो पहाड़ है उसके नाम से ये जो करोड़पति लोगों का इदारा है बेंगलोर में, वो अभी तक तो काम कर रहा है बहुत अच्छी तरह, और अगले चंद सालों में उम्मीद है कि ये पैंडेमिक और वायरस के ज़माने में जो नई नई कंपनीज आई हैं उसमें भी उसने बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया है। मैं उसका शरी मुशीर हूँ और हर 3 महीने पर हमें उसकी रिपोर्ट मिलती रहती है और उसके मसाइल से हम डील करते रहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि अच्छा अभी आधे ही घंटे। तो यानी हिंदुस्तान की ये स्टोरी है वो तो ये बहुत ही यानी मिक्स स्टोरी है। इसमें यानी अच्छी बुरी एक्सीडेंट और सारी खबरें हैं, अच्छी खबरें भी हैं बुरी खबरें भी हैं, लोगों का नुकसान भी हुआ है, कुछ नए इनिशिएटिव्स भी हुए हैं। और एक ज़माने में तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से भी बातचीत चल रही थी कि गुजरात में या कहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया जाएगा, तो बातें बहुत होती रहती हैं लेकिन एक्चुअल काम बजाय अच्छाई की तरफ जाने के, हमारे लिए अमन अमान के जो मसाइल आजकल मौजूद हैं उसमें इन सब चीज़ों पर गौर फिक्र करने की का किसी को मौका नहीं है। तो इस जल्व में जो और इम्कानात हैं, अगर मैं उससे आपसे बात करूं कि जैसे हदीस शरीफ आपने सुनी होगी कि हदीस कुदसी है, अना सालिसु शरीकैन मा लम यखुन अहदुहुमा फइन खाना अहदुहुमा फ़क़द ख़रजतु मिन बैनिहिमा, कि हर दो आदमी जो मिलकर कोई भी तिजारत करें उसमें अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकत साथ होती है, जब तक कि एक दूसरे के साथ खयानत की नीयत उनकी ना हो, जब तक कि उनकी नीयत ख़राब ना हो। और जैसे ही नीयत किसी की ख़राब होती है तो अल्लाह की बरकत और रहमत उस तिजारे से हट जाती है। तो जो मुसलमानों को इन्वेस्टमेंट के जो इम्कानात हैं, 1-to-1 दो चंद अफराद मिलकर भी काम कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, मुशारकत कर सकते हैं, मुजारबत कर सकते हैं, वकाला की बुनियाद पर भी कर सकते हैं, और इस्तिस्ना की बुनियाद, जितनी चीज़ें मैंने कल आपके सामने 7 शक्लें बताई थी, ये प्राइवेट लेवल पर की जा सकती हैं। और जहाँ तक बम्बई का ताल्लुक है, बम्बई मुसलमान सरमाएदारों का बहुत बड़ा वो है, तो मेरे इल्म के मुताबिक इन तमाम बुनियादों पर, शराकत मुजारबत और वकाला की बुनियादों पर, बहुत सारे ताजिर आपस में मिलजुल कर, किसी के पास सरमाया है किसी के पास तजुर्बा है, तो वो दोनों मिलकर इस तरह काम करते हैं। अब इसमें कितना कामयाबी है कितनी कामयाबी नहीं है उसका कोई अंदाज़ा पब्लिक लेवल से नहीं हो सकता, और ये सब के सब लोगों की ज़ाती ईमानदारी और दीनदारी के ऊपर मुनहसिर है कि वो कामयाब होते हैं या नहीं, और आपस में उनके तनाज़ात होते हैं या नहीं। लेकिन जैसे कि हमें आपको पता है कि जितने भी शरीय मामलात हैं, 2 अफराद 4 अफराद 40 अफराद 100 अफराद मिलकर कंपनी बना सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अगर उनमें यानी अहलियत है और नियत उनकी ठीक है और वो सही तरीके से काम करेंगे, तो मुजारबत मुशारकत वकाला और इस्तिस्ना सलम की बुनियादों पर इनफरादी तौर से तो काम हो सकता है। लेकिन आज का ज़माना जो है इनफरादी ज़माना नहीं है, आज का ज़माना सिस्टमेटिक ज़माना है, कानून का ज़माना है, कि चीज़ें बड़े पैमाने पर एक निज़ाम के तहत कानूनी तहफ़ुज़ात के साथ होती हैं। जैसा कि मैं अपने बरतानिया की मिसाल दे सकता हूँ कि 2004 से लेकर 2010 तक हर साल पार्लियामेंट में कानून चेंज हुए, वहाँ हमदर्दी के जज्बात थे मुसलमानों के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो एक फुल फ्लेज यानी बिल्कुल पूरा इस्लामिक बैंक, इस्लामी नाम से बना इस्लामिक बैंक ऑफ ब्रिटेन, 2004 में उसको लाइसेंस मिला, 2002 से उन्होंने अप्लाई किया था, 2 साल में उनको लाइसेंस मिला, उसी के बाद इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस मिला। कानून में जो तब्दीली करनी थी, टैक्स सिस्टम में जो तब्दीली करनी थी, उस सब इदारों ने उसका तआवुन किया, और बरतानिया में
20 बैंक इस वक्त काम कर रहे हैं, यानी कुछ रिटेल हैं, कुछ होलसेल हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, कुछ फंड्स हैं, बड़े बड़े फंड्स हैं, जो कि हुकूमत की सियासी हमदर्दी की वजह से, कानून की हिफाजत की वजह से और अच्छी तरह काम कर रहे हैं बरतानिया में। इसी तरह दूसरे ममालिक में भी, गैर मुस्लिम ममालिक में भी इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक फाइनेंस की के कोई मसाइल नहीं है। थोड़े से कवानीन चेंज करके या कुछ टैक्स एडजस्टमेंट करके तकरीबन, यानी मुस्लिम ममालिक में तो ये भी उसी रफ्तार से इस्लामिक फाइनेंस और इस्लामिक बैंकिंग बढ़ रही है, और गैर मुस्लिम ममालिक में भी, सिंगापुर जैसे मुल्क में भी इस्लामी बैंकिंग की इजाज़त है और इस्लामी इदारों की इजाज़त है। और जैसा कि मैंने कल अर्ज किया था कि प्रॉपर सिर्फ इस्लामी बैंक, उसकी तादाद तो बहुत कम है जो 100% इस्लामी हो, लेकिन जो बड़े बड़े बैंक हैं, HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर अमेरिकन बैंक्स, जो हैं जो बड़े बड़े बैंक हैं, इन्होंने देखा कि जब इस बात की डिमांड है मलेशिया में, खलीज में और दूसरे ममालिक में, तो बड़े बड़े बैंकों ने भी इस्लामी शोबे बनाए, अलग से कंपनी बनाई। जैसे HSBC जो दुनिया का बड़ा बैंक है, उसने अमाना HSBC के नाम से अलग से कंपनी और अलग से इदारा रजिस्टर किया, और उसके शरिया बोर्ड काफ़ी 5-7 उलमा को रखा, बड़े बड़े उलमा को रखा, और बहुत ही कामयाब तरीके से मलेशिया और दुबई वगैरह में वो इस्लामी फाइनेंस का काम कर रहे हैं। बरतानिया में भी कुछ दिनों तक उन्होंने किया था और काफ़ी लोगों को होम फाइनेंस प्रोवाइड किया, लेकिन बाद में उसको ख़त्म कर दिया किसी वजह से, सियासी वजह से या किसी और दबाव की वजह से। लेकिन दूसरे 4-5 इदारे फुल फ्लेज बैंक बरतानिया में काम कर रहे हैं, और उसके अलावा 15 और बैंक्स हैं जो अमूमी तौर से तो सूदी बैंक हैं, लेकिन उन्होंने शरई डिपार्टमेंट बनाया है। इसी तरह पड़ोस के मुल्क में भी जो बड़े बड़े बैंक हैं, सरकारी या गैर सरकारी, उन सब के एक शोबा अलग से होता है इस्लामी बैंक का। चुनांचे मैं भी हबीब बैंक लंदन में शरिया एडवाइज़र हूँ, और UBL बैंक में लंदन में एडवाइज़र हूँ उन दोनों का, और दोनों बैंकों के पास असल में तो ये सूदी बैंक हैं अपनी तारीख और अपने इंशा की बुनियाद पर, लेकिन इन सब ने एक एक जैसे छोटी कंपनी बनाई है, यानी एक ब्रांच और खिड़की बना दी है, जिस जो कानूनी तौर से अलग है, हिसाब के तौर से अलग है, शरायत और सुपरविजन के तौर से अलग है। तो होम फाइनेंस, कमर्शियल फाइनेंस और डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सब ये इदारे प्रोवाइड कर रहे हैं बरतानिया में भी और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी। जैसे मैं अभी साउथ अफ्रीका था तो वहाँ पर भी तकरीबन 5-7 फुल फ्लेज इस्लामी बैंक्स हैं, और साउथ अफ्रीका के जो बैंक्स हैं सूदी बैंक हैं, उन्होंने भी गैर सूदी डिपार्टमेंट बना के एक पूरे अलग हिसाब किताब करके, अलग स्टाफ बना के और अलग शरायत और उसके साथ वहाँ कामयाबी के तौर से चल रहे हैं इस्लामिक बैंक। वहाँ भी कुछ फेलियर हुए साउथ अफ्रीका में, मुझे मालूम हुआ कि बाज़ जो प्योर अच्छे दिल वाले मुसलमान इखलास और जज्बात के साथ आए थे, लेकिन वो कम अहलियत उनमें नहीं थी, उन्होंने इस्लामी बैंक बनाया और वो बैंक फेल भी हुआ। तो बिजनेस की दुनिया में बैंक भी एक तिजारती इदारा है, लेकिन उसकी तिजारती सरगर्मियां महदूद होती हैं कानून के लिए से, कि वो चंद चीज़ें कर सकते हैं, चंद चीज़ें नहीं कर सकते। तो जिस तरह हर वो तिजारतन तख्शौना कसादा, कुरान करीम में अगर आपको याद हो कि तिजारत जो है वो उसमें रिस्क हर किस्म का होता है, कामयाबी का भी, नाकामी का भी, और देर में कामयाबी होने का सब रिस्क होता है। तो बैंक भी कोई आसमानी इदारा नहीं है, यही ज़मीन पर एक कंपनी होती है जिसका एक ख़ास चार्टर होता है, ख़ास कानून होता है, ख़ास दायरे अमल होता है। अगर उसकी अहल लोग शराफत के साथ और ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो वो कामयाब होगा, लेकिन जहाँ उसमें बदनीयती, बेईमानी
ना अहली आई किसी भी इदारे में वो फेल होगा। और आपने पिछले चंद सालों में हिंदुस्तान में भी देखा होगा कि बहुत सारे बैंक फेल हुए। यहाँ खुद महाराष्ट्र में, मैं अभी बम्बई में हूँ, यहाँ पर बड़े बड़े बैंक फेल होने जा रहे थे, तो उसको किसी तरह सेंट्रल बैंक ने दूसरों के कंधों पर डाल के उसको बचाया है ताकि लोगों की सेविंग्स हैं वो तबाह ना हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ना अहलों ने और मुसलमानों के पैसे डुबाए हैं। आम तौर से बैंकिंग इंडस्ट्री में, खुद बैंकिंग की जो तारीख है उसमें बहुत सारे बैंक फेल होते रहे हैं क्राइसिस के ज़माने में या मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर, और लोगों के पैसे डूबते रहते हैं क्योंकि बैंक भी एक तजारती इदारा है जो तजारती बुनियादों पर, गैर शरी सही नहीं, सूदी की बुनियाद पर काम करता है, लेकिन फिर भी उसमें भी फेलियर का इम्कान होता है और बेईमानी का इम्कान होता है। और हिंदुस्तान में आए दिन हम देखते हैं, सुनते हैं कि फला रियासत में फला छोटा बैंक जो है वो कोलैप्स हो रहा है, तबाह हो रहा है, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूब रही है। तो बिजनेस दुनिया में ये एक मामूली नहीं कहना चाहिए बल्कि उसके नॉर्मल कह सकते हैं, नॉर्मल चीज है कि जैसे ही हर तिजारत को कामयाबी और नाकामी का सामना है, इसी तरह बैंकिंग सिस्टम में भी मुख्तलिफ वजूहात से कामयाबी और नाकामी होती रहती है और बैंक्स भी फेल होते हैं और लोगों के पैसे जिंदगी भर के तबाह होते हैं। लेकिन हुकूमतें, जैसे 2008 में ये हुआ कि पूरी दुनिया के सारे बैंक हिल गए तकरीबन। 2008 में ऐसा क्राइसिस आया, अमेरिका से शुरू हुआ और उसके असरात हिंदुस्तान तक पहुंचे। हिंदुस्तान महफूज रहा उस जमाने में, लेकिन अक्सर दुनिया के ममालिक उससे मुतासिर रहे। उसकी वजूहात में मैंने जाना नहीं चाहता हूँ। वो एक सिस्टमेटिक रिस्क था जो गोया बड़े पैमाने पर अमेरिकन मार्केट से एक्सपोर्ट हुआ था और पूरे यूरोप को और दुनिया को उसने घेरे में ले रखा था और बैंकिंग सिस्टम तकरीबन कोलैप्स होने वाला था। तो हुआ ये, उसको बचाने के लिए गैर मामूली कोशिशें की गई, तमाम हुकूमतों ने खजाने खोल दिए उन बैंकों को बचाने के लिए। वो बहुत ही वैसी स्टोरी है, मैंने अभी एक वो स्टोरी खुद मैंने देखा है, आंखों से मुशाहिदा किया है, सुना है और उसको किस तरीके से बचाया गया है। अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिक दे सकूं, जैसे HSBC दुनिया का बड़ा बैंक है, ये बैंक को बंद होने की का फैसला हो चुका था अमेरिकन हुकूमत की तरफ से, लेकिन बरतानिया के वजीर खजाना वगैरह ने कहा कि भाई बहुत से लोगों का, बहुत बचतों का नुकसान होगा, लिहाजा आप उन पर रहम खाते हुए इसको बंद ना करें। इसी तरह और जो बरतानिया में भी छोटे छोटे बहुत सारे बैंक फेल हो रहे थे 2009 में, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लोग लाइन लगा रहे थे। तो हुकूमत ने, उस वक्त के वजीर आजम ने बड़े बड़े दूसरे बैंकों से कहा जो अच्छी हालत में थे कि भाई ये जो बीमार है इसको अपने घर में ले लो, अपनी गोद में लेकर इसको पालो। मैं खुद बैंक लॉयड बैंक में शरिया एडवाइजर था उसी जमाने में, उसके जिम्मे कई बीमार बैंक दे दिए गए और उन्होंने उनको बचाया। और हुकूमत ने अपने खजाने खोल के BRS और दूसरे इदारों को, यानी उसमें हुकूमत ने अपना हिस्सा डाला, पैसा डाला, पब्लिक का पैसा डाल के उसको बचा लिया। वरना 2008 और 9 में जो क्राइसिस ग्लोबल लेवल पर आया था उसमें लोगों की आधी पूंजी, तकरीबन दुनिया के अक्सर लोगों की पूंजी डूब चुकी होती। लेकिन उसकी वजह से जो यानी जंग जैसे हालात होते, उससे बचने के लिए हुकूमतों ने यानी जिसको कहते हैं कि खैरात दी बैंकों को। यानी इस वक्त जो दुनिया का बैंकिंग सिस्टम बच के चल रहा है, ये पॉलिटिकल विल की वजह से, सियासी करारदाद की बुनियाद पर, हुकूमती इमदाद की बुनियाद पर चल रहा है। अपनी यानी अपनी जो सिस्टम की स्ट्रेंथ है कि बहुत स्टेबल है, लेकिन उसको जो सब्सिडी मिल रही है दुनिया में, उसका उसकी कोई मिसाल नहीं कि 2009-10 में जो इन बैंकों को, इदारों को, इंश्योरेंस इदारों को जो इमदाद दी गई है हुकूमतों की तरफ से, वरना ये इदारे अपनी जगह पर कायम न रहते
और लोगों के अंदर लोगों की जिंदगी भर की कमाइयां डूब जाती, इसलिए हुकूमतों ने ये किया और उसके आदाद शुमार मौजूद हैं। तो मैं इस पूरे बयान का ये मकसद है कि जिंदगी में जिस तरह अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं, तजारतों पर भी ऐसे आते हैं, बैंकों को भी ऐसे आते हैं, खुद हिंदुस्तान का जो मौजूदा बैंकिंग सिस्टम है ये भी फ्रॉड और दूसरे यानी गैर शरी गैर कानूनी कर्जों और उसकी बुनियाद पर हिलता रहता है। मैं हर हफ्ते इसकी रिपोर्ट पढ़ता रहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो सरकारी बैंक या गैर सरकारी बैंक्स हैं, गैर सरकारी बैंक जो हैं वो थोड़ा सा सेहतमंद हैं, सरकारी बैंक जितने हैं हिंदुस्तान में वो अपने साइज की वजह से बचे हुए हैं, वरना जो उनके तौर तरीके हैं उसकी वजह से वो अक्सर क्राइसिस का शिकार रहते हैं इंटरनली, और हुकूमत उनकी मदद करती रहती है, वरना ये जो बड़े बड़े बैंक हैं ये भी बहुत सारी उसका शिकार हो जाते और लोगों में काफ़ी परेशानी होती। तो मैं आज के इस अगर मैंने जो जहन में था और जो कुछ मैंने नोट बनाए थे और जो कुछ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, इससे मकसद न मायूस करना है न गैर हकीकी उम्मीदें दिलाना है, लेकिन जिंदगी का जो पहिया है वो तो चलता रहता है और चलता रहेगा, और हमें प्राइवेट तौर से लोकल तरीके से कम्युनिटी लेवल पर स्टेट लेवल पर और मुल्की लेवल पर कोशिशें जारी रखना है और मुसलसल रखना है, क्योंकि ये एक साये पैहम है, इसमें सारी दुनिया इस तजुर्बे से गुजरती है, गुजरती रही है, गुजरती रहेगी, और लेकिन कोशिशें हमें करते रहना है, और अच्छे ईमानदार अहल लोग जब आएंगे यार जो 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 इम्कानात मौजूद हैं उसकी बुनियाद पर हम काम करते रहेंगे, तो एक दिन वो भी आएगा कि उमूमी तौर से सब लोगों के लिए ये सहूलियात होगी। अलबत्ता ये जो है इससे ये आपके सामने मैंने स्टोरी छोटे लेवल पर भी पेश कर दी और आलमी सतह पर भी आपके सामने मैंने पेश कर दी है, उम्मीद है कि इससे यानी जो मेरा मकसद है कि शरी बुनियादों पर हमें मायूस नहीं होना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, और कोशिश ही करते रहने से आहिस्ता आहिस्ता फीसद बाय फीसद ये काम आगे बढ़ता जाएगा। तो इस आज जी जी मैं तकरीबन मैं अपना वक्त पूरा कर चुका हूँ, 40-45 मिनट, अब मैं खामोश रहकर आप लोगों के सवाल और उसमें अगर कोई चीज़ रह गई है जो मेरी नज़र नज़रों से ओझल थे, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा।